तो अभी मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं, री एग्जाम को लेकर के एनटीए का क्या जवाब है, दोबारा एग्जाम कराने को लेकर के एनटीए का क्या जवाब है सीयूईटी 2024। जी हाँ नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर, जहां आपके लिए हर प्रकार से सहयोग किया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत ही ईमानदारी से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वर्क करता है। सीयूईटी 2024 की परीक्षा चल रही है यूजी कोर्सेज की, और पहले ही दिन से तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं प्रवेश परीक्षा में। सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय मिल रहा है, किसी को 20 मिनट का समय मिला, किसी को 30 मिनट, किसी को 10 मिनट का समय मिला, और 10 मिनट में कौन ऐसा वीर है जो परीक्षा कर लेगा। और इस तरीके की बेईमानी अगर हो रही है तो क्या एग्जाम दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला सवाल तो यही है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एनटीए ने क्या कहा है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दो पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ हम बोलें कुछ तुम बोलो पर बोलना, यूं घुट घुट कर मरने से अच्छा है साथी बोलना, ओ साथी बोलना, ओ भैया बोलना। चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूं कि एनटीए ने क्या जवाब दिया है इस पर। एनटीए की जो जो लोग हैं उनको कॉल जब हमने लगाया तो उनका क्या जवाब था, सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनिए फिर मैं अपनी बात को बताता हूँ। स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? जी सर, एनटीए ऑफिस में बात हो रही है हमारी। जी जी सर, सर अभी सीयूईटी यूजी के एग्जाम चल रहे हैं, यू नो सर, एग्जाम में तमाम प्रकार की अनियमितताएं आ रही हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को। क्या समस्याएं आ रही हैं सर? समस्या ये आ रही है कि सेंटर, इनको पूछना है कि क्या समस्या आ रही है, मैं समस्या गिना दिया हूँ इनको, सुनिएगा। पर जो एक घंटे या 45 मिनट का हर एक डोमेन या लैंग्वेज या जनरल टेस्ट के लिए जो समय दिया गया है उसमें तमाम सेंटर्स पर समय जो है आधे घंटे 20 मिनट किसी प्रकार का समय मिल पा रहा है। सेंटर्स पर एंट्री लेट हो रही है, सेंटर्स पर उसी एक घंटे के भीतर ही, उसी 45 मिनट के भीतर ही ओएमआर सीट बांटे जा रहे हैं, उसी एक घंटे के भीतर सारी प्रक्रियाएं कराई जा रही हैं। तो सर 45 मिनट में अगर 15 मिनट एंट्री लेट होती है, 15 मिनट ये सारी प्रक्रियाएं लगती है, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट मिलता है पेपर करने के लिए। जी तो इस तरीके से जो समस्या है इसका समाधान क्या है? आप ऐसा कीजिए, इसके लिए कंप्लेंट कीजिए सर, आप मेल के द्वारा कंप्लेंट कीजिए हमारे। सर मेल के द्वारा कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, आई थिंक मेल तक नहीं हुआ है। आपके पास रिस्पांस नहीं आया, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेंटर्स पे आपका रिस्पांस, आपका कंप्लेंट के बेस पे रिस्पांस दिया होगा। सेंटर्स पर क्या जो सेंटर्स अलॉट हुए हैं सर? अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर सेंटर्स ने मेल किया होगा इस प्रॉब्लम को या स्टूडेंट्स ने? जी जी बिल्कुल। किसने, सेंटर्स ने या स्टूडेंट्स ने? मतलब आपने मेल किया है तो मेल के रिवर्ट दिया जाएगा आपको, और ये इशू को चेक किया जाएगा कि सर एक और बात बता देता हूँ, सेंटर्स इस तरीके के हैं जिन सेंटर्स को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, पहले उन्होंने परीक्षा नहीं कराई थी, ऐसे सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है, और वहाँ पर इन्विजिलेटर के नाम पर चपरासी और ग्रुप डी के लोग वहाँ पर इन्विजिलेटर का काम कर रहे हैं, और जिन भी बच्चों ने इस चीज को लेकर के कहा है कि हमें दिक्कत आ रही है, अब सेंटर्स पर विरोध करने का प्रयास किया गया, मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें पेपर में समय नहीं दिया गया, तो उनका उनका ये कहना था कि सेंटर पर आप नौटंकी ना करें, ये ना करें, वो ना करें, इवन पुलिस प्रशासन बुला करके उन्हें धमका करके खदेड़ दिया गया है। तो दो चार बच्चे और दो चार पेरेंट्स सर क्या करेंगे फिर वहां पे? ठीक है सर, आप वेट कर लीजिए, आपको बिल्कुल रिपोर्ट आएगा इसका। ठीक है सर, तो इसका रिस्पॉन्स, ये सूचना अभी तक एनटीए के पास नहीं गई है क्या कि ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं? तमाम मीडिया एजेंसीज में ये खबर आ चुकी है सर। सर एनटीए के पास आई भी होगी, लेकिन बिल्कुल इसका देखा जाएगा, बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा, तुरंत तो नहीं हो सकता ना, एग्जाम कंटेन हो रहे हैं तो बीच में नहीं दखल कर कुछ नहीं सर, जैसे ऑफलाइन एग्जाम्स रखे गए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो दिल्ली में तो पेपर हुआ नहीं पहले शिफ्ट का, तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन तो होगा, अब पेपर हो रहा है 29 तारीख को पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना फिर, तो ऑफलाइन परीक्षा इसलिए हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अब डेली का पेपर कैंसिल हुआ इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जिन बच्चों के साथ समस्या आई है सबकी समस्या को सुना जाना चाहिए, तब उनकी भी परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए 10 से 15 मिनट में। सर कौन बच्चा है जो पेपर कर सकता है इसे? जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते इसके रिगार्डिंग। ऐसे कोई समाधान नहीं है अभी? नहीं, तो मतलब निराशी बैठे रहे हम लोग, इंतजार करते रहे। अभी आपका जो कंसर्न है जा रहा है यूनिट, यानी
हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जो भी पॉसिबल होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप वेट कीजिए अभी। चलिए ठीक है, हम इंतजार करते हैं। चलिए ठीक है, हम इंतजार करते हैं। यहीं पर हमारी जो कन्वर्सेशन है वो समाप्त हो गई। तो आज जब हमने एनटीए से बातचीत किया, एनटीए के जो भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बैठे थे जिन्होंने हमसे बातचीत किया, इनका ये कहना था कि आपकी अगर समस्या आई है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेल कर दीजिए। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, धड़ल्ले से उठा करके इतना ज़्यादा मेल करिए एनटीए को कि समझ में आए कि हाँ ये प्रॉब्लम वास्तविक है। क्योंकि एसी वाले कमरे में बैठ के उनको नहीं समझ में आ रहा है कि धूप में जलते हुए बच्चा 200-400 किलोमीटर दूर से भी पेपर देने गया, परेशान हुआ, पूरे जाम में परेशान हुआ और उसका पेपर खराब हुआ, और उस खराब होने के पीछे कारण एनटीए है, ना कि वो विद्यार्थी, ना कि वो गार्जियन। तो आप सभी लोग इनको मेल करें, इनका ये कहना है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, मेल आएगा, मेल स्टूडेंट्स का आ रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के पास मुद्दा जा रहा है और इसको हम कंसर्न में लेंगे। लेकिन ये मुद्दा तभी कंसर्न में आएगा जब इस पर दबाव बनाया जाएगा। अगर हम चुप रह गए, अगर हम शांत रह गए, अगर हमने मेल नहीं किया, अगर हमने लगातार वीडियोस नहीं बनाए, अगर हमने इस पर दबाव नहीं बनाया, तो आगे आने वाले समय में ये लोग आगे परीक्षा नहीं कराएंगे, क्योंकि इन्हें तो भाई अपने काम से जितनी जल्दी छुट्टी मिल जाए, जितना फुर्सत मिल जाए, पैसा जेब में दबा के बैठ जाए, उतना आसानी है। तो अभी ये बातचीत हुई है, आगे आने वाले समय में मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ के रखिए। मैं एक पहल चालू करूंगा, और वो पहल जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन तौर पर ही हो, हो सकता है कि अगर एनटीए इस तरीके से कॉल्स पर, ट्विटर पर ना माने, तो फिर हम लोग एक बड़ी मुहिम, अगर आप सभी विद्यार्थी तैयार होंगे तो बड़ी मुहिम लेकर के चलेंगे। क्योंकि 2022 और 2023 में बहुत ज्यादा तमाशा हो गया है, और 2024 में भी यही तमाशा अगर दोहराया गया और इस तरीके से हम चुप होकर के सुनते गए। मैं 2022 और 23 के स्टूडेंट से भी कहा था कि अगर आपके जूनियर्स की लड़ाई आगे आएगी तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर सब लोग मिलकर के ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर इसमें कोई फायदा नहीं है, ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। तो निवेदन यही है कि आप सभी मिलकर लड़ाई लड़ें। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो भी उन स्टूडेंट्स का साथ दें जिनका पेपर सेंटर्स की गड़बड़ी के कारण, एनटीए की गड़बड़ी के कारण खराब कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए जिनका जिनका पेपर गड़बड़ हुआ है, और सभी लोग साथ में जुड़े रहिएगा। आगे आने वाले समय में मुहिम की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगर सभी विद्यार्थी साथ देंगे तो मैं हमेशा आप सभी के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहने का पूरा प्रयास करता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके फैला दीजिए कि एनटीए ने दोबारा एग्जाम होने को लेकर के क्या कहा है, और साथ में आप सभी साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।